बच्चों के वेट गेन के लिए आज एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे बच्चों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसमें आपने 1 किलो पोटैटो ले लेने हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। साथ ही इसमें जो मैंने चिकन लिया है वो आप ले सकते हैं, थाई का भी ले सकते हैं और चेस्ट का भी ले सकते हैं। बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप थाई का लें, वो सॉफ्ट होता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। और इन कटलेट में आप चिकन की जगह मटन भी ऐड कर सकते हैं, तो जो मटन की ताकत है वो भी बच्चों को मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर आलूओं को जो है धोकर उबलने के लिए रख दिया है और तकरीबन 25 से 30 मिनट मैं इनको बॉईल करूँगी ताकि अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएं। चिकन में मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। और इसके हमें जो है रेशे करने हैं, तो यहाँ पर इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। बॉईल करूँगी इसको मैं चिकन को और आलूओं को, और इतना बॉईल करूँगी कि ये बिल्कुल आलू जो है सॉफ्ट हो जाएं। और तकरीबन 20-25 मिनट बाद ही मेरे आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। तो इन्हें जो है मैंने बंद कर दिया था फ्लेम को। चिकन को भी जो है मैंने उसको इतना मैंने ड्राई कर लिया पानी को कि उसके एंड पर सिर्फ 1 चम्मच जो है यखनी आपने बचानी है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इस यखनी में जो है सारी चिकन की ताकत है। ये हम अपने पोटैटो में ऐड करेंगे। साथ ही जो है आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। इसके लिए तवे पर आपने ब्रेड को रखना है और इन्हें हल्की आग पर जो है सेक लेना है, तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। आलूओं को छील लें और चिकन को आप श्रेडेड भी कर सकते हैं और इस तरीके से मोटा मोटा भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है। और अब जो है चिकन के अंदर ही जो यखनी थी वो भी मिक्स हो गई है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया। आप इसमें बाकी जो श्रेड की हुई चिकन है यखनी के साथ जो मैंने बचाई थी वो ऐड कर दें। और साथ ही साथ इसमें जो है आपने ऐड करना है नमक। नमक आपने अपने जायके के हिसाब से ऐड करना है। छोटे बच्चे हैं तो आप कम ही ऐड करिएगा। और काली मिर्चें इसमें जाएंगी। ये बच्चों की आंखों के लिए, नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं 1 साल के, तो आपने बहुत ही कम ऐड करनी है, 1/4 टी स्पून आपने ऐड करनी है। और अगर बड़े बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल के, तो फिर आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं 1 किलो में। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं अच्छे से, आलू और चिकन में। और साथ ही यहाँ पर मैंने कुंडी में जो है ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। आप इसको चॉपर में भी चॉप करके क्रम्स बना सकते हैं। इसको आप टिक्कियों की शेप दे दें, किसी भी अच्छे कटलेट की, नगेट की, जो शेप आपको पसंद हो आप इसको दे सकते हैं, ताकि बच्चे जो है शौक से खाएँ। तो अंडे को आपने बीट कर लेना है, देसी हो वलैती हो कोई भी अंडा। अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो देसी अंडा लें। और साथ ही अंडा लगा के आपने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं और इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपने इसको फोल्ड करना है, ताकि हाथों पर जो है ना लगे क्रम्ब्स वगैरह, अंडा वगैरह। तो यहाँ पर जो है कटलेट तैयार हो गए हैं। यहाँ पर कटलेट तैयार होने के बाद आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसे फ्रेश फ्राई करके भी बच्चों को दे सकते हैं। इन कटलेट्स को मैं फ्रीज़ करूँगी। ये कटलेट आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का आसान तरीका आपको बताऊँगी और कम जगह पर ज़्यादा कटलेट कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो कटलेट हैं वो मेरे रेडी हो गए हैं। ये 2 कटलेट जो है आप 3-4 साल बच्चों के लिए फ्राई कर सकते हैं। 1 साल का बच्चा है तो 1 ही कटलेट काफ़ी होता है 1 दिन के लिए। तो आपने ऑयल या देसी घी ले लेना है तवे पर, हल्का सा गर्म हो तो फिर आपने टिक्कियों को रखना है। ठंडे आप तवे पर या ऑयल पर डालेंगी तो फिर ये टिक्कियाँ जो हैं चिपक जाती हैं। और अगर आपकी ये टिक्कियाँ जो है फ्रीज़ हुई हुई हैं, तो फिर आपने इसको जो है पहले तेज़ आग पर बनाना है, उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है, तो ये अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी, उसके बाद आप बच्चों को दें। क्योंकि फ्रीज़र वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ जरासीम आ जाते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से ही उसको कुक तब आप बच्चों को दे सकती हैं। तो यहाँ पर जो है कटलेट रेडी हो गए हैं। ये आप एज के हिसाब से बच्चों को दे सकते हैं। आपके बच्चे 5 से 7 साल के हैं तो वो 3 कटलेट भी खा लेंगे, 2 भी खा लेंगे। 1 साल का बच्चा है तो 1 कटलेट काफ़ी है। आप हल्का हल्का उंगली की मदद से तोड़ के बच्चों को खिलाएं या स्पून की मदद से खिलाएं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही हेल्दी कटलेट हैं। बच्चों का वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि इसमें पोटैटो है, तो बच्चों का वेट गेन होगा। एग
है तो बच्चों को प्रोटीन बहुत अच्छी मिलेगी, मसल्स बहुत अच्छे बिल्डअप होंगे। बच्चों को ज़रूर उनकी डाइट में शामिल करें, जो आप कहती हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते, तो डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें। यहाँ पर सेव करने का तरीका आपको बताती चलूँ, आपने जो है ले लें इस तरह से सारे बना लेने हैं आलू और चिकन के कटलेट। यहाँ पर मैंने इनको अंडा और ब्रेड क्रम नहीं लगाया, आप अंडा और ब्रेड क्रम लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर रही हूँ, कुक के टाइम में जो है अंडा और ब्रेड क्रम लगाती हूँ या सिर्फ अंडा लगा के फ्राई कर लेती हूँ, या आप अपने गेस्ट वगैरह को भी दे सकते हैं, ख़ुद भी खाने के साथ खा सकते हैं। आपने इस तरीके से सेलोफिन छापर ले लेने हैं नए, उनको आपने कटिंग कर लेना है जिस तरीके से मैंने कटिंग किया है, और आपने कोई छापर जो इस तरह के नए आते हैं आप ये लेकर और इसको खोल कर इसमें आप ये अरेंज करें, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से अरेंज करें। बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा कटलेट आते हैं, और अगर आप किसी डब्बे वगैरह में एयरटाइट कंटेनर में इसको सेव करते हैं तो ये बहुत जगह घेरते हैं और वो डब्बे फ्रीज़र में रखने में ऊपर नीचे बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो शापर में हम फ्रीज़ करते हैं ये बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा कटलेट आते हैं। बड़ा अगर आपके पास शापर है तो बेस में आप 6 कटलेट भी अरेंज कर सकते हैं। ये 4 छोटा था तो मेरे पास 4-4 अरेंज हो रहे हैं। इस तरीके से जो है मैं पैकेट्स बना के 2 रख लूँगी, और इनको आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट नहीं जाती तो आप इसको 1.5 महीना 2 महीना भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लेट पर रखें और इसको फ्रीज़ कर लें, और जब आपको ज़रूरत हो आप अंडा लगाकर फ्राई कर सकते हैं। अंडे के साथ अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स भी लगा लें। और ये मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, फ्रीज़ कर दूँगी। अल्लाह।